तेरी माँ मंगलसूत्र, गजरा, काजल, हरी चूड़िया ये सब क्यों पहनती है? ये सब तो सुहागने पहनती है ना। चुप। काय चुप, विधवा औरतें थोड़ी ना पहनती हैं। आई, अगर विधवा ऐसा पहने तो गलत होता है ना। चुप। हाँ, काय चुप करेगी, सही पूछ रही हूँ। अल्लाह मुठा। समोसे तैयार है, लड्डू भी तैयार है, और पूरन पोली भी तैयार है। सुबह से चिंता कर रही थी क्या होगा क्या होगा, कुछ नहीं रे, चार हाथ लग गए ना कि हो जाता है। कावेरी, क्या हुआ? क्या हुआ? समाज है, नहीं समझता भावनाओं को, और तू बीती बातों को भूलना सीखना बाबा। लोगों के बातों का बुरा नहीं मानते। देख, आज बेटी का साकर पूड़ा है तेरे खुश रहने का, एकदम मस्त रहने का। चल चल, आंसू आंसू ले बाबा, ऐसा नहीं करते मेरे अच्छे काल। हेलो। हाँ बोलो, क्या बात है? क्या बात है मतलब? आज अवनी की सगाई है, आपको अभी तक यहाँ आ जाना चाहिए था। मैं नहीं आ पाऊंगा, एक जरूरी मीटिंग में हूँ। ऐसे में अर्जेंट मीटिंग आ जाते ना आपको? अरे वो आपकी भतीजी है, आपके भाई की बेटी, आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारियाँ बनती है कि नहीं? कैसी जिम्मेदारी? मैंने नहीं पैदा किया है उसको, और जिसने पैदा किया है उसको वो तो जिम्मेदारी छोड़ के भाग गया है। पर अगर काम निपट जाएगा तो आ जाऊंगा। पर तेरा पति अभी तक नहीं आया, एड्रेस तो ठीक से दिया ना? 10 बार समझाने पे भी समझ में नहीं आता उसे। अरे वाओ, ये क्या बोला रे? अरे नहीं, अभी बोला कहाँ है, अभी बोलेगा मैं। ये शांता भाई किधर है? क्या बोला तू? जबान संभाल के बात करने का। शांता भाई मेरी बाइकों का नाम है, समझा? अरे क्या समझा, बाइकों का नाम है तो पूरे मोहल्ले पे कब्जा कर लिया क्या है? मेरे को क्या लेना तेरी बाइकों से? ये मेरे को ये एड्रेस दिया है शांता भाई, मकान नंबर 324 शांता भाई करके। क्या करके? आगे बोलना। अरे यहाँ शांता भाई कंपाउंड है, शांता भाई स्कूल है, शांता भाई हॉस्पिटल है, तेरे को किधर जाने का है बेवकूफ? ए क्या बोला?
क्या बोला तू मेरे को? अरे भाई तुम अकेले है क्या दुनिया में? मेरी पत्नी नहीं है क्या? वो भी सबसे बड़ी बेवकूफ है। ठीक है चल अभी। हाँ मैं जाता है, गलती हो गया भाई, तुम पेपर पढ़ो। हाँ जा निकल। भाई अखबार मेरे को एड्रेस पर पहुंचाने दो, अंजू मैं तेरी वाट लगा देगा। हाँ क्या है? आपकी भतीजी की सगाई है, अवनी के पिता यहाँ नहीं है, इसलिए आपका यहाँ होना जरूरी है। और अगर आप नहीं आए ना तो सारी जिम्मेदारियाँ सारी रस्में मैं पूरी करूँगी। मैं तय करूँगी कि ये लेन देन क्या होगा, सब कुछ मेरी मर्जी और मेरी खुशी से होगा। फिर मत कहना कि ये क्यों किया और वो क्यों किया। देखो सच करो, मुझे तो बात कुछ जमने की। अरे बाप के बारे में क्या पूछ लिया, कैसे मुंह बन गया सबका। अरे बाप की छोड़, घर की हालत देख, हर कोने से गरीबी की बू आ रही है। आई तू ना कैसी बात करती, अब गरीबी की बू नहीं आएगी तो क्या अमीरी की बू आएगी? अरे घर में खाने वाले इतने सारे लोग और कमाने वाले वो एक अवनी, और वो भी कौन सी कलेक्टर है, ये देखे 20,000 रुपए कमाती और उसमें इतने लोगों का पेट पालना। हाँ शुक्र है कम से कम काका पैसे वाला, कुछ तो फायदा होगा हमारा। उसी की तो चिंता हो रही है मुझे, ये काका है तो मालदार, दो दो गाड़ियां, तीन तीन फैक्ट्री, और ये लोग एकदम फटीचर। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि काका इन्हें कुछ नहीं देता होगा। अगर वो सगे वालों को कुछ नहीं देता तो हमें क्या देगा खाक, और हम सोच सोच के खुश होते जा रहे हैं। आई तू एकदम बरोबर बोले, देखना अभी तक आया भी नहीं, और कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे हम लोग जुगाड़ की कार लेकर आए वैसे ये काकी सब कुछ फेंक रही हो, फैक्ट्री बिजनेस। मुझे नहीं लगता, उसके जेवर देखे हैं तुमने? हाई ऐसे जेवर ना मार्केट में 100% नकली मिलते हैं, देखने में सोने से कम नहीं और खो जाए तो कम नहीं। कौन है? कौन है वो? काका। नमस्कार। हाय। काका भी आए। इतनी सारी गिफ्ट लेकर। बहुत मजेदार पार्टी लगती है। टेंशन फ्री देवा। भास्कर का भला हो गया। ये तो आ गया, तेरा पति कहाँ है? क्या पता है, मैंने तो एड्रेस लिख के दिया था, पता नहीं कहाँ रखड़ गया। दादा वृंदावन मंगलो कुटे। लो आ गए आपके जमाई जी। प्रभु बहुत जल्दी नहीं आए तुम, थोड़ी और देर लगाते तो शादी तक तो पहुंच ही जाते। एक डिनर का ना खाली, ज्यादा बोलेगी तो महिला जैसा तेरा स्वभाव है वैसा ही एड्रेस दिया मेरे को, आड़ा टेढ़ा पूरा मोहल्ला घूम घूम के थक गया मैं। अरे गुस्सा क्यों करते हो, मैंने बराबर एड्रेस दिया था जो इन लोगों ने। बस सिर्फ स्कूटर दहेज में मिला है, पेट्रोल जेब से खर्चना पड़ता है मेरे को। ये देख देख, ये घर ढूंढने में 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा लगे है, पैसा कौन देगा? चला पेट्रोल का भाव मालूम है क्या हो गया, मेरे गुस्से से भी ज्यादा जल्दी बढ़ रहा है। 63 रुपए 31 पैसा कौन देगी? नकटी ए नकटी हिटी बोले रे तेरे। रे बाबा मैं 70 दे दूंगी, तू अंदर तो आ, चल ना अंदर। चल चल आई कब पे भरोसा नहीं देगी नहीं। देख अंदर जमाई जी करके हवा बनाई है तेरी, जरा रुबाब से रहना, ऐसा नहीं अच्छे रुबाब से रहना, बड़ा सा लिफाफा मिलेगा। हाँ मैं इतना है। रे एक मिनट, हवा बढ़ाई मंजे का है, मेरा वर्चस्व ऐसा है। ओ कर लो, चल चल चल। अरे बाप कहे वहां मिठाई में हाथ डाल के मत खाना।
देने के लिए रुक जाना। चल मेरे को क्या किया था? जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी नमस्कार। अरे बैठिए बैठिए, आप ही का इंतजार होता काका जी। जी मैं भास्कर का जीजा। अरे बैठिए बैठिए बैठिए, फॉर्मेलिटी का जरूरत नहीं है बैठने का, मैं म्यूनसिपालिटी में ऑफिसर है। अच्छा अच्छा। और आप? जी मैं अवनी के ऑफिस में बड़ा बाबू हैगा, है ना? तो आप अवनी के काका जी? नहीं जी जी नहीं मैं। अरे जो भी होगा छोड़ो ना, ये जरी का बॉर्डर बहुत अच्छा है। मैं क्या बोलता है, ऐसा बाबू लोग का ऊपर का कमाई भी मस्त होता होगा आपका है? जी देखिए आप समझे नहीं, मैं अपने के ऑफिस। नहीं नहीं, ये बड़े बाबू नहीं है, ये तो अवनी ताई के ऑफिस के मालिक है। ये तो काका नहीं है, ये तो और भी अच्छा है। अरे जब बॉस हमारे लिए इतने सारे गिफ्ट्स लेकर आ रहे हैं तो जरा सोच, काका तो पूरी गाड़ी लेकर आएंगे। अरे लॉटरी लगी है, लॉटरी, एक के बाद एक बोनस मिल रहा है। सॉरी। इट्स ओके, ऐसा होता है। आप 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 बैठिए ना, बैठिए। वो क्या है, गर्मी बहुत ज्यादा है ना, तो क्या धूप आंख में गया ना तो बराबर दिखता नहीं, इसलिए वो आठ लग गई। ऐसा बुरा नहीं मानने का, सॉरी। अरे नहीं अरे नहीं, सब एकदम ठीक है ना एकदम। काकी देखो ना ताई कितनी सुंदर लग रही है। अब मेरा यहाँ का सारा काम खत्म, मैं जरा बाहर का नजारा देख कर आती हूँ, ठीक है? आई तेरी बिंदी कहाँ गई? वो मुंह धोते वक्त उतर गई होगी। छोड़ ना, कितनी सुंदर लग रही है तू, चल जल्दी से बाहर। आई क्या हुआ? आई आशीर्वाद देना। आई क्या हुआ? मैं आशीर्वाद नहीं दे सकती। क्यों आई? आज के दिन तो बिल्कुल नहीं, पर... अरे आप लोग यहाँ जल्दी करो, ये नहीं सब लोग राह देख रहे हैं। देखना काकी, पता नहीं आई को क्या हो गया, कहती है कि आज के दिन मुझे आशीर्वाद नहीं देगी। कैसा आशीर्वाद दूंगा तुझे? शुभ काम में विधवा का पैर नहीं पड़ता, यही समाज का नियम है। मैं तो नहीं जानती कि मैं सुहागन हूं कि विधवा। मैं नहीं जानती कि
उन्हीं के पापा जिंदा है भी। क्यों मैं इतने सालों तक सुहाग की निशानियां पहनती रही? शायद उनके बिना जीने की आदत हो गई। लेकिन अचानक ख्याल आया कि इतने साल हो गए इन्हें हमें छोड़कर गए हूं, कोई कोई खबर नहीं है उनकी। कहीं सच में मैं तुम्हें अपनी बेटी को आशीर्वाद देके उसकी उसकी जिंदगी की शुरुआत शुरुआत में मैं क्यों अपशकुन करूं? आशा, तू भी तो आई जैसी है, तू ही आशीर्वाद दे इसे। नहीं वहिनी, माना कि मैं अवनी की माँ जैसे हूं, मेरे लिए अवनी और मेरी बेटी में कोई फर्क नहीं है, पर आप इसकी माँ हैं, आपने इसे जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है। आज के दिन इसे आशीर्वाद देना आपका हक है। मैं नहीं आशीर्वाद दे सकती। आई विधवा हो या सुहागन, माँ तो माँ होती है ना। कौन सा समाज, कौन सी रीत रोकती है एक माँ को अपनी बेटी को आशीर्वाद देने से? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पापा है या नहीं है, क्योंकि तूने कभी हमें उनकी कमी महसूस ही नहीं होने दी। आई, मेरे लिए तो सिर्फ सिर्फ तू सब कुछ है, और आज इतने बड़े दिन जब मैं तो जिंदगी की नई राह पर कदम बढ़ा रही हूँ, तेरे आशीर्वाद के बिना कैसे हो सकता है? आई, आशीर्वाद देना। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।